नमस्कार, आप सबों का बोकारो गार्डन में मैं तहे दिल से नगीना शर्मा स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने प्लांट रखे हुए हैं, इसे मैंने एक कटिंग से ग्रो की थी, तो इस पर इसी को मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस पर ढेर सारे प्रश्न मेरे कमेंट में आते रहे हैं, इसे कैसे लगानी है, इसकी केयर क्या करनी है, मेरे पत्ते पीले हो जा रहे हैं, मेरे प्लांट बढ़ नहीं रहे हैं, इस तरह के ढेरों प्रश्न आते रहे। और मैं दूसरी तरह वीडियो में बिजी थी। अब कल जब माधुरी जी का इस पर प्रश्न आया है कि आप इसका केयर बताओ, करी पत्ते की क्या केयर करें ताकि ये प्लांट हमारे स्वस्थ रहें, तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलो इसको शेयर आज कर ही लेती हूँ आपसे। तो मैं इसको आपके सामने लेकर आई हूँ। इसे मैंने कटिंग से लगाए थे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने जो कटिंग लगाई थी उसमें एक कटिंग आपको यहाँ ये दिख रही होगी, एक प्लांट ये बन गए हैं और एक प्लांट ये है। तो ये कटिंग से आसानी से ग्रो कर जाता है, उसमें समय तो लगता है, आपको 3 से 4 सप्ताह तक लग जाते हैं, आपको घबराने नहीं है, लेकिन ये लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और करी पत्ते की क्या खासियत है, इसका क्या उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी मैंने पहले शेयर कर रखी है, इसलिए मैं इसमें भी अभी नहीं जाऊंगी। आज केवल मुझे इसकी केयर बतानी है कि आपको क्या केयर करनी है इसकी। तो सबसे पहले तो किसी भी प्लांट के लिए उसका सॉयल ज़रूरी होता है, तो इसके सॉयल जो आपको रखने हैं वो अच्छी ड्रेनेज वाली सॉयल रखनी है, यानी आपको इसमें सैंड और जो सॉयल हो, खेत की सॉयल है, दोनों की मात्रा आपको 50-50% रखनी है। देखो, एक इसमें केचुआ भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, खैर छोड़ो, ये कहीं भी चले गए। तो आपको सॉयल अच्छी ड्रेनेज वाली रखनी है। दूसरी चीज़ है, सॉयल पढ़ाते हैं तो किसी भी प्लांट को, हमारे आपके जैसे ही ये भी गंदगी पसंद नहीं करते हैं, अक्सर इन्हें गंदगी पसंद नहीं है, या दूसरे प्लांट इसके नीचे जो बिट्स वगैरह हो जाते हैं पसंद नहीं है, तो इन्हें हमें नहीं रहने देनी चाहिए, इसे हमें यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। जैसे ही आपको कोई इसमें बिट्स दिखाई दे तो इन्हें आप रिमूव कर दिया करें, क्योंकि ये हमारे प्लांट के भोजन का उपयोग करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, प्लांट हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये इसको इस तरह से आप निकाल करके इसको फेंक दो। अब बात आती है, आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ मल्चिंग किए हुए सूखे घास पात से आप इसको मल्चिंग करके रखा करें। साथ ही जब पानी देने की बात हो, वाटर आपको देने हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें उंगली नीचे करनी है, ऐसे करके उंगली करोगे और इसके बाद देखोगे। अब जब देखोगे तो आपको लगेगा, नज़र आएगा कि आपका उंगली भींगा हुआ है या नहीं भींगा हुआ है, फिर आप उसको ऐसे करके देख करके तब पानी डालोगे। सीधे पानी नहीं डालनी है, नहीं तो इसके रूट जो हैं सो खराब हो जाएंगे, इसमें फंगस लग जाएगा और प्लांट बर्बाद हो जाएंगे। अब आते हैं कि इसे रखनी कहाँ है, तो आपको इसे सूरज की रोशनी में, लाइट में रखनी है, इसको धूप पसंद है। ऐसे आप इसको चाहो तो इंडोर भी रख सकते हो, बीच बीच में आप धूप में रख दिया करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो, डायरेक्ट धूप हो, तो ऐसे जगह में इसको नहीं रखें, क्योंकि ऐसे हालत में ये ख़राब हो सकते हैं, इसके पत्ते जल जा सकते हैं। अब मैं चर्चा कर रही हूँ इसके पत्ते की, तो आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ कि इसके पत्ते तोड़ लिए गए हैं, उपयोग करने के लिए इसके पत्ते को रिमूव कर लिया गया है, देख रहे हैं आप, इसमें से पत्ते तोड़े हुए हैं। लेकिन इसमें गलती कहाँ पर हुई है कि इसके पत्ते को सीधे ऐसे करके रिमूव कर लिया गया है, वो ऐसे नहीं करनी है। इसके पत्ते को जब आपको तोड़ने हैं तो अच्छी तरह से आपको यहाँ से तोड़ के हटा लेनी है, इस तरह से ऐसे करके आप रिमूव कर लो पूरे के पूरे, क्योंकि इस तरह से ही अगर रहेंगे तो आपका ये एनर्जी लेते रहेंगे, तो इसलिए इस तरह का ना करें। आपको जब इसका उपयोग करना है तो आप सीधे इसको तोड़ लें और इसके बाद इसका उपयोग करें, इसमें फालतू का एनर्जी बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
आप इसमें एक चीज मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो देख लो। इसमें एक मैं आपको जो लगे हुए हैं इसमें इसको दिखाने शेयर कर रहे कर देती हूँ। देखो इस तरह के कीड़े, ये दिख रहे हैं आपको, एकदम ग्रीन कलर के, जैसे ये खुद है उसी तरह का ये कीड़ा भी इसमें है। इस तरह के कीड़े भी इसमें लगते हैं, इसलिए समय समय पर इसको, ये देखो ये कीड़े हैं, आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई पत्ते हैं। मैं कैमरे को और नज़दीक ले जा रही हूँ, देखो दिखाई दे रहे हैं या नहीं, ये देखो ये कीड़े हैं। तो इस तरह के कीड़े लगेंगे इसमें, माइट लगते हैं, कीड़े लगते हैं। तो इस इन्हें हटाने के लिए, जैसे बड़ा सा है तो मैं इसको कोई पेस्टिसाइड डालकर मारना नहीं चाहूँगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब इतने बड़े कीड़े दिखाई देते हैं तो उसे मैं मारती नहीं हूँ, उसको तोड़कर बाहर में फेंक देती हूँ, क्योंकि अपने सर पर इसकी मौत का इल्ज़ाम क्यों लेना है। अब रह गए कि इसमें अगर माइट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उस हालत में हमें क्या करनी है, नीम ऑयल का उपयोग करना है। तो इसे तो सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि ये जब तक रहेंगे मुझे इससे डर लगते रहेगा, क्योंकि मुझे इससे डर भी काफ़ी लगता है। तो इसे मैं पहले यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ, फिर क्योंकि इससे बार बार मुझे छूने पड़ेंगे। अब देखो आप इसको, ये देखो इसकी अब आ रही है समझ में किस तरह के हैं ये। अब मैं इसे पहले फेंक लूँ, तो चलो इसको हटाती हूँ। इधर इसमें फर्टिलाइजर जो आपको देनी है वह काउडंग आप दें, सूखी हुई, एकदम से सूखी हुई काउडंग दें, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर इसको ना दें। 3-4 सप्ताह पर इसको फर्टिलाइजर दें। इसके बाद 3 चम्मच आयरन सल्फेट 4-5 सप्ताह के बाद इसमें आप डाल सकते हो। आयरन सल्फेट आप इसको डाल सकते हो, वो आपको मार्केट में आप खोजोगे आपको मिल जाएगी। साथ ही 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल कर, मतलब उसको 1 लीटर पानी में आपको मिला लेनी है, अच्छी तरह से मिला लेनी है, और इसके बाद ऊपर से अच्छी तरह से इसको नहला के और सारे पानी जो है उसके इस सॉइल में चले जाएंगे, तो वो इसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगा और हरे भरे रहेगा। दोस्तों एक बात मुझे और करनी है कि पानी इसको चाहिए, इसके सॉइल मॉइस्ट रहने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देनी है। पानी चेक करके आपको देखनी है, सॉइल देख करके ही आप इसमें पानी दें। इसको जाड़े के दिन में ठंड इसको अच्छी नहीं लगती है, आप इसको अपने इंडोर में ले जा कर रख सकते हो तो बेहतर है, इंडोर में ले जा कर रखो। साथ ही हल्की सी सुसुम पानी, जो गर्म नहीं बोलते हैं जिसको सुसुम बोलते हैं, वैसे पानी से अगर इसको डालोगे, स्नान करवाओगे, तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठंड से बचाने के लिए अगर आपने इसे सॉइल में लगा रखी है, खेत में लगा रखी है और इंडोर नहीं ले जा सकते हो, तो इन हालातों में आप एक पॉलीथीन लो, पॉलीथीन बैग लो, उससे अच्छी तरह से इसको कवर कर दो, प्लांट को अच्छी तरह से पॉलीथीन बैग से कवर कर दो, क्योंकि ठंड इसको पसंद नहीं है और ठंड से ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। साथ ही ठंड के दिनों में जाड़े में ये डोरमेट में चला जाता है, उस अवस्था में इसको पानी भी कम चाहिए, फर्टिलाइज़र तो आप दे ही नहीं, इस बात का भी आप ख्याल रखें। अब हो गई बात इतनी, तो अब बात आती है कि इसकी पोंडिंग कैसे करें, काट छांट कैसे करें। तो इसके लिए आप यहाँ देखोगे कि मैंने इसकी यहाँ पर काट रखी है। जैसे ही प्लांट आपका बड़ा दिखे, लगे कि अब मेरा प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा, गमले के अनुपात में मुझे बड़ा दिख रहा था तो मैंने इसे काट दिए। अब मान लो मैंने इसे काट दी, यहाँ से काट दी है, ये काट दी, यहाँ मैंने काट दी,
तो अब आप देख रहे होंगे कि एक मैंने यहाँ काटी है तो एक ब्रांच ये है, इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज निकल गई। आप देख लो यहाँ पर कितने सारे, मुझे लग रहा है 4 या 5 ब्रांच यहाँ पर निकल गए। अगर आप प्लांट का कटिंग करते हो तो घबराया ना करो, क्योंकि एक जगह अगर आप काट के हटाते हो तो आप में 4-5 ब्रांच आसानी से वहाँ पर निकल जाते हैं और इस तरह से आपके प्लांट घने हो जाते हैं। ये करी पत्ता के साथ ही नहीं है, ढेरों प्लांट हैं ऐसे जिसमें आप कटिंग करते हो तो आगे ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब बात आती है इसमें फ्लावर की, तो इसमें जब फ्लावर आए, इसके फ्लावर व्हाइट कलर के छोटे छोटे होते हैं और नन्हे नन्हे से इसमें सीड बनते हैं, सीड से भी इसका प्लांट ग्रो करता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है उसको लगाना, सीड से ग्रो करने में थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर इसमें आपको फ्लावर दिखाई दे तो आप फ्लावर को हटा दिया करें, क्योंकि फ्लावर जैसे ही रहेंगे, ये फ्लावर देने में ही अपना समय लगाएगा, फ्रूट देने में अपना समय लगाएगा, अपना सारा एनर्जी उसी में एग्जॉस्ट करेगा और आपके पत्ते कम आएंगे और प्लांट आपके धीरे धीरे कमज़ोर दिखेंगे। तो इसलिए आप इसमें फूल आने ही ना दें, जैसे ही फूल दिखे आप इसको हटा दिया करो। मुझे लगता है कि मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर ली है। अब इसी के साथ चलती हूँ, कुछ छूट गया होगा तो फिर कमेंट में देखे जाएंगे। मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ, साथ ही आपकी वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी हो गई, तो मैं चलती हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरी ओर से आप नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार स्वीकार करें। बस चलती हूँ मैं, ओके।